स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महाराष्ट्र दौरा और आज भी महाराष्ट्र में प्रवासी राजस्थानियों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद दोपहर 1 बजे कई सारी बैठकें हैं, उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर आने के बाद सीएमओ में बैठक लेंगे। राइजिंग राजस्थान को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक आएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महाराष्ट्र दौरा और आज भी महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंचेंगे कार्यक्रम के बाद, और फिर जयपुर आने के बाद सीएमओ में बैठक लेंगे। राइजिंग राजस्थान को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक रखी गई है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे शशि, महाराष्ट्र में चुनावी दौरे पर लगातार कई दिग्गज हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे और कई जगह संबोधन भी दिया उन्होंने, लेकिन आज क्या खास कार्यक्रम है? आज भी राजस्थानी जो प्रवासी उनसे मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ और कार्यक्रम रहने वाला है महाराष्ट्र में? राजस्थान के प्रवासी दरअसल प्रदेश देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में रहते हैं और यही कारण है कि जब वहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं तो राजस्थान के नेताओं के बीच दोनों ही पार्टियों की तरफ से होती, और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्टार प्रचारक बनाए। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पिछले 3 दिन में मलाड़ में, बहिंदर में, उसके बाद इससे पहले पुआ में, फिर कल नागपुर में अलग अलग सभाओं को संबोधित किया है। और मुख्यमंत्री ने राजस्थानी समाज से अपील की है कि बीजेपी और उसके गठबंधन को मिटाए, महायुति की सरकार बनाए। आज मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले सुबह राजस्थानी समुदाय के कुछ लोगों से मुलाकात होगी जो बड़े इन्फ्लुएंसर, सोशल वर्कर हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जो वहाँ के सामाजिक संगठनों में अलग अलग पद पर काम देख रहे हैं। तो उनसे मुलाकात के बाद जयपुर लौटेंगे। तकरीबन 1 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, और उसके बाद सीएमओ में एक बैठक रखी गई है। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक होगी और जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है राइजिंग राजस्थान, 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होना है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, उसकी तैयारियों की समीक्षा लेंगे और मुख्यमंत्री लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है शशि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट लेंगे हम। तो जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के बारे में बताया, महाराष्ट्र चुनाव में भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव है। चुनाव प्रचार का वहां पर दौर है और ऐसे में महाराष्ट्र दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और फिर वापस जयपुर जब लौट रहे हैं तो राइजिंग राजस्थान, क्योंकि दिसंबर में इसका कार्यक्रम होने वाला और बहुत ही कम समय बच गया है, तो उसकी तैयारियों को लेकर जो समीक्षा बैठक है उसको भी लेंगे।